हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे कच्चे भुट्टे का चीला। तो इसके लिए हमने भुट्टों को छील लिया है और इसके दाने जो हमने अलग कर लिए हैं। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो इसके लिए मैंने मिक्सी के जार में इसे डाल दिया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि बिना पानी के ये नहीं पीसेगा। तो चलिए अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसी कंसिस्टेंसी में आप पेस्ट को रखिएगा। इसमें हमें कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करने होंगे। इसके लिए मैंने छोटे छोटे साइज के प्याज काट लिए हैं और हरी मिर्च डाल दिया है, और इसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। इसके बाद हम इसमें कलर आने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो इस मिक्सचर को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसे लम्स ना पड़े और जो हमारा बैटर हुआ काफ़ी अच्छा से बने। तो अब हम इसे एक तवे पर तेल लगा लेंगे और इसके बाद इस बैटर को डालेंगे, और उसे चम्मच की सहायता से चारों तरफ से जितना पतला हो सके हम इसमें फैला देंगे। ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें इसके आँच को मीडियम ही करके रखना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से पक जाए। इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से पका लेंगे। हमारा जो चीला है वो एक साइड से अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी मीडियम आंच पर ही इसे अच्छी तरीके से सेक लेना है। इसे हम छोलने की सहायता से अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसे पका लेंगे, और इसे हम एक दो बार ऐसे ही पलट के इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे, जिससे कि ये कच्चा ना रहे। तो ये फाइनली अब पक चुका है, तब हम इसे तवे से हटा लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे चीले को भी पका सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने धनिया की चटनी ली है और टोमेटो सॉस। आप इससे किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल